राजस्थान एग्जाम इन 10 में आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश कुमार शर्मा, बीएएमए बीएड सेट क्वालिफाइड इन सब्जेक्ट जियोग्राफी। मैं पिछले 8 सालों से ऑनलाइन व ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं और मेरी जियोग्राफी की सबसे खास बात है मैप बेस्ड जियोग्राफी, जिससे मैं प्रत्येक कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर करवाने का प्रयास करता हूँ। आप यदि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हो, और स्ट्रक्चर्ड कोर्स यानी कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप यूनिट वाइज कोर्स मिलेगा, और अनलिमिटेड एक्सेस यानी एक ही वीडियो को आप कई बार देख सकते हो, जिससे आपको आप प्रत्येक टॉपिक आसानी से क्लियर हो सके। यदि आप आरपीएससी का कोई सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो ये मात्र 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए मात्र 7000 रुपए का रहेगा, और इसमें भी यदि मेरा रेफरल कोड आरकेएस लाइव यूज करते हो तो ये आपके लिए 10% ऑफ होकर मात्र 6300 रुपए में होगा, जो आपके लिए इकोनॉमिक बहुत बेनिफिशियल होगा। आप आज का जो टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख झीलें। दोस्तों, आपके सामने एक झील दिखाई गई है, उसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। मैप में आपको यहाँ दिखाया गया है, इसके अलावा एरियल व्यू लिया गया है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक देश है रूस, यहाँ एक देश है उसका नाम है कजाकिस्तान, यहाँ है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ जो देश है उसका नाम है ईरान, और यहाँ एक देश है अजरबैजान। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो देश है रूस, उससे एक नदी आकर गिरती है इसमें, जिसका नाम है वोल्गा, जिसको यूरोप की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, और एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम है यूराल नदी। यह विश्व की सबसे बड़ी जो झील है यह यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर स्थित है। दोस्तों, आगे हम ध्यान देते हैं विश्व की सबसे गहरी झील, जिसका नाम है बेकाल झील। ये लगभग 1642 अलग अलग बुक में आपको अलग अलग गहराई बताई गई है, तो ये 1642 मीटर गहरी है। ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इसको विश्व की सबसे पुरानी झील भी माना जाता है, और यह एक मीठे पानी की झील है। क्या है दोस्तों? मीठे पानी की झील है। आगे ध्यान देना दोस्तों, यहां एक आपको झील दिखाई गई है, मृत सागर। मृत सागर जो झील है वो जॉर्डन, इजराइल व फिलिस्तीन के बॉर्डर पर है। यह विश्व की सबसे गहरा सागर बताया गया है। क्या बताया गया है? गहरा सागर बताया गया है। इसकी जो लवणता है दोस्तों, वो लवणता भी चर्चा में रहती है। इसकी लवणता 238 प्रति हजार है। तो डेड सी कहां किन देशों के मध्य? इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बॉर्डर पर है। इसकी लवणता के कारण ये चर्चा में है। ये विश्व का सबसे गहरा सागर है। अगला आपके सामने जो दिखाया गया है वो ये झील दिखाई गई है। ये जो झील है इसका नाम है टर्की की वोन झील। ये देखिए दोस्तों, यहां पर है ये झील, ये टर्की की वोन झील है। ये विश्व की सबसे ज्यादा लवणता के लिए जानी जाती है, और इसे इसकी लवणता है 330 या 332 प्रति हजार। कई किताबों में अलग अलग इसके बारे में लवणता लिखी हुई है, कई जगह 330 आता है और कई जगह 332 आता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, टर्की की वोन झील है वो विश्व की सबसे ज्यादा लवणीय झील है। अब आपके सामने एक यहां पर झीलों के बारे में दिखाया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये झीलें आपको ध्यान रखनी है, इनके नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। इसका नाम है सुपीरियर। तो दोस्तों देखिए, ये यहां पर है, इनको यहां पर मैप में बड़ा दिखाया गया जिससे आपको आसानी रहे। इसको कहते हैं मिशिगन, इसको कहते हैं ह्यूरोन, इसे कहते हैं ईरी, और इसे कहा जाता है ओंटेरियो। दोस्तों, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, तो ये पूछा जाता है, इसको कहा जाता है महान
झील क्षेत्र क्या कहा जाता है दोस्तों? महान झील क्षेत्र। इसके अंतर्गत सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटेरियो जिले आती है। इसी को इंग्लिश में कहते थे ग्रेट लेक्स एरिया। दोस्तों ध्यान देना, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है। सुपीरियर से ह्यूरोन जाने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया है, उस नहर का नाम है सू नहर। यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सू नहर किन दो झीलों के मध्य है? तो ह्यूरोन और सुपीरियर के मध्य। मिशिगन झील के किनारे यहां पर एक शहर है, शहर का नाम है शिकागो, जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है और यहां से सुअर का मांस सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शिकागो कैरी व मिलवाओ की एक ऐसा क्षेत्र है जो यूएसए के अंदर क्या है, लोहे इस्पात का उभरता हुआ क्षेत्र है। आपको ध्यान देना है दोस्तों, इरी से ओंटेरियो के मध्य यहां पर एक उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, जलप्रपात है। उस जलप्रपात को कहते हैं नियाग्रा जलप्रपात। और नियाग्रा जलप्रपात होने के कारण यहां एक झील का निर्माण किया गया है और उस झील को कहते हैं वेलेंड झील। क्या कहते हैं दोस्तों? वेलेंड झील। वेलेंड झील ओंटेरियो को इरी से जोड़ती है और ओंटेरियो से एक नदी निकाली गई है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट लॉरेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट लॉरेंस। तो आप लोगों को यह ध्यान रहना चाहिए कि सेंट लॉरेंस नदी है वो कहां से निकलती है, ओंटेरियो से। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी व ओंटेरियो ये ग्रेट लेक्स एरिया कहलाता है। पूर्णतः यूएसए में जो स्थित झील है वो एकमात्र जो झील है उसका नाम है आपका मिशिगन। क्या नाम है जी? मिशिगन। ये पूर्णतः यूएसए के अंतर्गत आती है। इसी कारण किसी भी देश का यदि विकास होता है तो वो व्यापार से होता है और व्यापार का प्रवेश द्वार होता है वो बंदरगाह होते हैं और बंदरगाह के कारण यहां तक यानी यहां यूरोपीय देशों से आने वाले जहाज मध्य अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रेट लेक्स एरिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ग्रेट लेक्स एरिया में कौन सी झील शामिल नहीं है और एक कोई और झील जैसे बैकाल झील दे दी या वान झील दे दी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब मीठे पानी की झील है। यहां पर किसका उत्पादन होता है दोस्तों? यहां पर सबसे ज्यादा यूएसए में मक्का उत्पादित तो होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट लेक्स एरिया है, उसमें विशेषतः सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटेरियो है। मिशिगन पूर्णतया यूएसए का पार्ट है और जो झील सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है, इरी और ओंटेरियो को वेलेंड नहर जोड़ती है और इन्हीं के मध्य उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो नियाग्रा जलप्रपात है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।